introduce my director. Hello, Mr. Nishan Jha. Hello, कैसे हैं आप? Yes. बताइए जरा आप director हैं फिल्म के बारे में. आप भी जहाँ हैं? हाँ, मैं भी जहाँ. कोई खास वजह है भाई जहाँ ही जहाँ कोई फिल्म में लेगा या काम करने के लिए जहाँ समय होना चाहिए? नहीं ऐसा तो कुछ है नहीं conditions, लेकिन हाँ ये condition है कि बटोबस वो एक professional artist हो जो इस character को play कर सके perfectly, justify कर सके और इसमें निधि माहिर है जिन्होंने हमेशा से ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स प्ले किए. लेकिन ये कुछ नया होगा इस बार निधि के लिए और कठिन भी शायद. हाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कैरेक्टर ऐसा नहीं है कि एक स्टेबल नहीं है या एक स्टैटिक कैरेक्टर नहीं कि इसका एक ही लाइक बिहेवियर होगा. इसका सडन कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है. जैसे कि अभी आज खुश है तो कभी दुखी होगा. आपने कहानी भी लिखी है पिंगला, हैशटैग आई एम पिंगला, नाम बड़ा यूनिक सा है, कैसे आया था? एक्चुअली मैं पहले स्क्रिप्चर्स बहुत रीड करता था, तो बेसिकली मैंने भगवद गीता भागवतम ऐसे बहुत सारे स्क्रिप्चर्स रीड आउट किए, तो उसमें से मुझे एक बार ये कॉन्सेप्ट पिंगला की कहानी मुझे बहुत पहले सुनाई दी थी, तो मैं उनसे इंस्पायर्ड हुआ था उनके थीम लाइन से बेसिकली कि हम सब में एक पिंगला है किसी ना किसी रीज़न से और हमें सुधरना है. ये था. कब से फिल्म शुरू कर रहे हैं आई एम पिंगला और कहाँ शूट की जाएगी, कब खत्म होगी? बेसिकली हम लोग कल 12 मई से स्टार्ट कर रहे हैं शूट और यहाँ मुंबई में सारे शूट होने वाले हैं और विद इन 30 डेज में हम ये शूट खत्म कर रहे हैं. एक ही शेड्यूल में पूरा कंटिन्यू. कब तक फिल्म बनकर तैयार होगी, रिलीज कब होगी? आई थिंक सो हमारा एक एजम्पशन है कि हम लोग दिसंबर या जनवरी में रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर तक, मतलब ये ईयर के एंड में या तो जनवरी. और निधि, मैं पिंगला की बात की, मैंने इस फिल्म के बारे में जाना, मैं ये जानना चाहता हूँ अब तो निधि लुलिया चली बॉलीवुड और टेक्निकली मैं कहूँ एक्चुअली टिपिकली मैं कहूँ तो निधि लुलिया चली बॉलीवुड, अब आगे क्या प्लान्स है, क्या ड्रीम्स है बॉलीवुड में? सी ड्रीम प्लान्स तो यही है कि जब कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा, एंड आई बिलीव कि हर इंडस्ट्री में हर लोग उतने ही मेहनत करते हैं, सिर्फ कैटेगराइज किया गया है कि ये साउथ इंडस्ट्री है या हिंदी इंडस्ट्री है या भोजपुरी इंडस्ट्री है, बट आई बिलीव सारे लोग जो है वो इक्वल ही मेहनत करते हैं. एंड मुझे जब भी कुछ नया, कुछ यूनिक, कुछ पावरफुल कैरेक्टर मिलेगा, इधर वो साउथ हो या भोजपुरी हो या हिंदी हो, आई वुड लव टू डू. सो येस, मैंने ऐसा कुछ पर्टिकुलरली नहीं बनाया कि आई हैव टू बी इन भोजपुरी ओनली और आई हैव टू डू ओनली हिंदी. मुझे जितना मिलेगा, जो जो रीजन का मिलेगा, मैं सब करूँगी. लेकिन फिर भी बॉलीवुड के आर्टिस्ट की तरह भोजपुरी आर्टिस्ट कीन रहते हैं, बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं हिंदी फिल्में करने के लिए, जैसे आप बॉलीवुड वाले हॉलीवुड करने के लिए रहते हैं. एग्जैक्टली वैसा ही कुछ होता है. ऐसा कुछ डिजायर निधि अपने अंदर देखती हैं? देखिए, डिजायर तो ऑब्वियसली एज एन एक्टर सब देखते हैं कि कहीं ना कहीं आपको वो मुकाम मिले, मेहनत करते हैं तो फल मिले. एंड मेरे लिए आई फील कि सारे इंडस्ट्री सेम है, बिकॉज कहीं ना कहीं भोजपुरी में आने से पहले मैं हिंदी ही करती थी, हिंदी शोज किए हैं, फिल्म भी किए हैं, बट कुछ रीज़न के वजह से कुछ फिल्में अटक गई, रिलीज़ नहीं हो पाया. सो फॉर मी आई बिलीव कि सिर्फ मेहनत करते जाओ बॉस, कोई भी इंडस्ट्री हो. अच्छा, बॉलीवुड में किसी पर्टिकुलर आर्टिस्ट के साथ काम करना ड्रीम हो? बहुत सारी लड़कियों का सलमान खान के साथ होता है, किसके साथ काम करना? देखिए, वो ड्रीम तो समवेयर कहीं ना कहीं पूरा हो ही रहा है. एज एन एक्टर आई बिलीव, ठीक है, देखिए सब बहुत अच्छा है, सलमान खान हुए या शाहरुख खान हुए, किसको ना काम करना पसंद, बट फॉर मी आई बिलीव वर्किंग विद प्रकाश राज जी. वो एक लौते इंसान हैं जिसके साथ निधि झा काम करना बहुत ज़्यादा पसंद करती है, एंड मैं उन्हें एज एन एक्टर एडमायर करती हूँ. मैं उन्हें इतना ज़्यादा, सारे एक्टर्स हैं ऑब्वियसली, सबके अपने अपने एक ड्रीम मैन हैं, बट मेरे लिए एज एन एक्टर आई बिलीव जो रियलिस्टिक एक्टर वो है प्रकाश राज जी, एंड वो ड्रीम भी ऑलमोस्ट मेरा पूरा हो ही गया है. मैं नेक्स्ट फिल्म उन्हीं के साथ कर रही हूँ, उनकी बेटी प्ले कर रही हूँ, बट एक फिल्म ज़रूर होगा जहाँ वो विलन बनेंगे, मैं हीरोइन और हम दोनों में कट टू कट फाइट होगी. अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि सारे लोग हीरो के फैन होते हैं, निधि झा विलन की फैन है प्रकाश राज जी, खास वजह? देखिए, हीरो के होती ही है हीरो, ठीक है, इवन आई एम अ हीरोइन, बहुत ज़्यादा रोमांस, बहुत ज़्यादा लोग ने बचा बचा लिया है. विलेन में क्या है ना, बहुत पावरफुल होता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उनके साथ कट्टू कट झगड़ा करना, कट्टू कट चीज़ें करना, बट ये सब चीज़ों को अगर इग्नोर किया जाए तो मैं प्रकाश राज जी को एज एन एक्टर बहुत मानती हूँ. वुड यू लाइक टू प्ले अ विलेन इन एनी मूवी? If it is powerful, I would love to do agar bahut the vamp, bahut vamp वैसे भी बन चुकी हूँ shows वगैरह में. Film. Now it's time for a movie. See, अगर character बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा interesting होगा, and लगेगा कि नहीं I should, I will. ऐसा नहीं है कि I should only play heroine, but मुझे लगेगा कि अगर मुझे villain बन के ये चीज़ बहुत ज़्यादा powerful है, so I will definitely do. अच्छा, निधि, मैं आप बॉलीवुड की बातें कर रहा था, भोजपुरी की बातें कर रहा था,
कौन सी की फिल्म रिलीज हुई है आज वांटेड, आपको आर्टिस्ट रह चुके हैं, निधि झा कुछ कहना चाहती हैं ऑडियंस से, क्योंकि बड़ी मेहनत से पहुंची ये फिल्म बनाई है। जी जी जी, बस हमारे दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि एक बहुत ही बड़ा टाइटल, बहुत ही बड़ा, बहुत ही महंगी फिल्म आई है वांटेड, आप प्लीज़ अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में जाइए और देखिए, गाने बहुत अच्छे अच्छे हैं, पवन जी का एक्शन बहुत धमाकेदार है, सो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, सो प्लीज़ जाइए टू योर नियरेस्ट सिनेमा हॉल एंड देखिए ज़रूर। एंड येस, वन मोर थिंग, अगर कुछ भी बुरा लगे प्लीज़ आप हमें रिव्यू दीजिए, कॉमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि वो कॉमेंट के ज़रिए जो भी गलती है हम उससे सुधारने की कोशिश करें एंड एक लेवल ऊपर बढ़े। भोजपुरी इंडस्ट्री, जितनी लोगों ने, कुछ कुछ लोग हैं जिन्होंने बदनाम किया है, उस चीज़ को वो चेंज करने के लिए हमें उस चीज़ पे वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यस, वी आर ट्राइंग कि अब नए नए चीज़ ला के, अब नए नए कॉन्सेप्ट ला के हम थोड़ा सा ऊपर बढ़े। थैंक यू सो मच।